जी नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह देव बोल रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का। जी मैं आपका सीतेपुर का रहने वाला हूँ और इस समय चलहरी घाट पुल के पास खड़ा हूँ, जहाँ बाढ़ की प्रॉब्लम है। रोड से जो भी सारे गाँव डूबे हुए, बहुत सारे गाँव वाले हमको घेर के खड़े। यूपी के सीतापुर पहुंचे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिग्विजय ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, लोगों ने अपना दर्द बताया तो नेताजी से रहा नहीं गया, बस घुमा दिया फोन सीतापुर के डीएम को और जमीनी सच्चाई बताना शुरू कर दी। नेताजी ने डीएम विशाल भारद्वाज को क्या बताया, जरा आप भी सुनिए। मैं आपका सीतापुर का रहने वाला हूं और इस समय चलहरी घाट पुल के पास खड़ा हूं, जहां बाढ़ की प्रॉब्लम है। रोड से जो भी सारे गांव डूबे हुए, बहुत सारे गांव वाले हमको घेर के खड़े थे। उनका कहना है आपका लेखपाल आया तो सर्वे करने पर ये कह के चला गया कि अगर घर में पानी घुसेगा तब सुविधा कोई मिलेगी। तो माननीय आपसे निवेदन है कि ये जो अगर एक जो आपके लेखपाल हैं, देखिए आप लोग तो काम कर रहे हो, पर नीचे जो आपके लोग हैं वो आप लोगों को मिसाइड कर रहे हैं। तो ये गाँव में करीब कितने गांव हैं, 30,000 की आबादी के आसपास जो लोग हैं वो डूबे हुए हैं। और हालात मैं आपसे बताऊं कि एक गौ माता है, वो बेचारी फंसी हुई है, उनको कौवे नोच के खा रहे हैं मेरे आंखों के सामने। मैं ये चलहरी गांव की बिल्कुल जो चलहरी गांव का पुल है उससे पहले मॉडल का चलहरी जी आपके लेखपाल सर्वे करके गए, पर ये कहे कि गांव घर में जब पानी घुसेगा तब हम मदद करेंगे। और पूरे गांव से जो आवागमन है वो अब नाव के द्वारा हो रहा है। पिछले दो डीएम से बात खत्म हुई, नेताजी ने लोगों को बताया कि ऐसे काम कराया जाता है, अब लेखपाल भी आएगा और समस्या भी दूर होगी। नेताजी ने एक तीर से दो निशाने साधे, भीड़ में नेताजी की नेतागिरी तो चमक ही गई, साथ ही समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ाया। थान गांव से नितेश वाजपेयी के साथ राहुल अरोड़ा, ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज़।